राहुल अक्षुअल मंदबुद्धि है, तो राहुल उसे हटाने की कोशिश किया और झांकने की कोशिश किया। तो 4 बजे जैसे ये घटना हुई तो राहुल क्या खेलते खेलते आंगन में चला गया पीछे, मतलब बाड़ी साइड। तो फिर वो टेम्परेरीली ढका था जो गड्ढा था, तो राहुल अक्षुअल मंदबुद्धि है, तो राहुल उसे हटाने की कोशिश किया और झांकने की कोशिश किया, देन वो गिर गया। फिर अब उसके बाद तो फिर वो 5 दिन 15 तारीख को 12 बजे वो निकला। राहुल कैसा खेलता बोलता है, कैसा आप लोगों के साथ मिलता जुलता है? राहुल अच्छे से खेलता है पर वो ज़्यादातर अकेले ही खेलता है। हाँ, राहुल से अगर हम लोग बात करेंगे, राहुल से बात करेंगे तो वो बात भी करता है पर वो बहुत टूटा वर्ड बोलता है, जैसे एक एक वर्ड बोलता है, जैसे मेरा नाम रानी है तो रानी करके बोलता है, ये इनकी दादी है तो उनको दाई बोलता है, और दादाजी से वो बहुत ही ज़्यादा लगाव है उसको तो वो बाबू ही बोलता है। 5 दिन लगभग राहुल अंदर रह गया था, उस टाइम में खाना पीना राहुल कैसे कर रहे थे उसके साथ, आप वीडियो देख रहे थे? जी, राहुल को हम लोग पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो राहुल हमारी आवाज़ें जिस तरह से पहचानता है, तो राहुल की जिस तरह मैंने उसे, मतलब राहुल ऊपर देखो बेटा आपके लिए खाना भेज रहे हैं, केला है इसे खाओ, तो वो तोड़ के उसे खाता था। ORS भेजते थे तो वो उसे पीता था। पर 2 दिन हुए थे राहुल पूरी तरह से खाना पीना मतलब बंद कर दिया था, तो फिर उसके बाद, पर अभी राहुल ठीक है। राहुल के साथ अब बात कब किए थे? अभी राहुल से बात हुई है पर क्या बोलते हैं, राहुल की कंडीशन उतनी ठीक नहीं है कि अभी उसे मोबाइल के पास रखा जाए, इसलिए दूर से उससे बात किया गया है। तो अभी राहुल ठीक है, वैसे ठीक रहने को, एक्चुअल राहुल को मेडिकली हार्म तो हुआ है, फिजिकली हार्म है उसे, लेकिन क्या बोलते हैं, अभी राहुल की एक्टिविटी बहुत अच्छी है। डॉक्टर्स का भी कहना है कि राहुल हंस रहा है और राहुल की एक्टिविटी बहुत ही अच्छी है। राहुल बार बार मतलब बाबू, हम लोगों का नाम रानी, बुआ, ये सब बोल रहे हैं। बाकी उसे डॉक्टर्स का कहना है कि इन्फेक्शन उसकी बॉडी में बढ़ रहा है। जी सर, ये आप अभी आपको कैसे फीलिंग्स हो रहा है, राहुल अच्छे से बाहर निकल गए, अभी ट्रीटमेंट है, कुछ दिन बाद राहुल घर आएगा? अभी तो जब राहुल अंदर था तब तो हमारे परिवार की स्थिति अनकहा है, उसे कहना भी मतलब उस पल को याद करना भी मतलब बहुत ज़्यादा घबराहट वाला है। तो जब निकल गया वो तो बहुत ही मतलब हमारे परिवार को, हमारे पुरानी खुशियां, हमारे बच्चे को नौजीवन प्रदान करना सब आप ही जनता के हाथों में था, आप ही के ईश्वरीय प्रार्थना दुआओं का ही असर है कि आज हमारा भाई हमारे पास है। और अभी भी है थोड़ा सा घबराहट क्योंकि डॉक्टर्स का कहना है कि थोड़ा इन्फेक्शन बढ़ रहा है और बॉडी जो है वो गलने जैसी हो गई है, पर अभी भी हम लोग बहुत खुश हैं और बस यही आशा करते हैं कि अब जल्द से जल्द घर आ जाए और हमारे पास आ जाए करके।